हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारे नए वीडियो में यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एंड बेंजोइन कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन वाली रिएक्शन निपटा देते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट से रिलेटेड है, बच्चों को मुश्किल लगती हैं, एग्जाम्स के अंदर आती हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा वे करेंगे कि कैसे हम रिएक्शन को कर सकते हैं। देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या करना है, आपने दो एल्डिहाइड लेने हैं विद अल्फा हाइड्रोजन, कुछ इस तरह से CH3C OH, इसी तरह से एक और सेम लेने हैं CH3C OH, और यहाँ पे कैटलिस्ट लोगे डाइल्यूट NaOH। एक बात अब देखिए क्या होगा, ये प्लस का साइन है, ये डबल बॉन्ड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, तो CH3C सिंगल बॉन्ड O, H को यहाँ पे है हमारा CH3C OH। समझिए, ये दो एल्डिहाइड पड़े हुए हैं, प्लस के साइन की वजह से डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो इसका पड़ोसी है, ये पड़ोसी से होने का ना धर्म निभाएगा और इसकी हेल्प करेगा। कैसे इसकी हेल्प करेगा, ये अपने एक हाइड्रोजन को इसके पास भेज देगा, ये बनेगा OH और ये बनेगा CH2, और ये पड़ोसी से क्या बन चुके हैं, दोस्त बन चुके हैं। और इस रिएक्शन को ही मैं क्या बोलता हूँ, एल्डोल कंडेंसेशन बोलता हूँ, क्योंकि एल्डोल बन चुका है। देखिए, ये हमारा एल्डिहाइड है और ये हमारा OH है, पोल। बाकी चाहो तो इस दोस्त को आप रिश्तेदारी में बदल सकते हो, इसका OH और इसका H निकाल दो H2O, और वो बन जाएगा आपका इनल। ओके, बट एल्डोल कंडेंसेशन इतनी है। कंडेंसेशन मीन्स क्या है, पास पास लेके आना, दो एल्डिहाइड को पास पास लेके आना, उससे आपने क्या बना देना है, एल्डोल बना देना है। नेक्स्ट समझते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होगी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें एक एल्डिहाइड ऐसा होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो इस तरह से C OH, एंड एक एल्डिहाइड ऐसा होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, कुछ इस तरह से CH3C OH। ओके, अब यहां पे आप लोगे एक बेस डाइल्यूट NaOH, देन क्या होगा, प्लस का साइन, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे है ये आपका CH3C OH। ये दो पड़ोसी पड़े हुए, इसका डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा, जब इसका डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा तो इसके बॉन्ड कितने बनेंगे, 1, 2, 3, एंड इस ऑक्सीजन के 1, जबकि बॉन्ड ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए, कार्बन के 4 होने चाहिए। तो ये इसका पड़ोसी इसकी हेल्प करेगा, अपना हाइड्रोजन इसके पास भेजेगा, ये बन जाएगा OH, एंड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ये भी आपका क्या बन चुका है, एल्डोल, एल्डिहाइड एंड OH, क्लियर। बाकी यहाँ पे आप दो एल्डिहाइड कीटोन भी ले सकते थे, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन को भी रख सकते थे। नेक्स्ट इज बेंजोइन कंडेंसेशन, कुछ समझ में आ रहा है, बेंजोइन, बेंजीन को ज्वाइन कर दो, एल्डिहाइड होंगे आपके पास दो C OH, सिमिलरली एक और यहाँ पे भी बेंजीन C OH। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे आपने जो कैटलिस्ट लेना है वो लेना है केसियन, अल्कोहलिक केसियन, देन क्या होगा, प्लस का साइन, ये डबल बॉन्ड किस में कौन होगा, सिंगल में, सी सिंगल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एच है, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये बेंजीन। जब प्लस के साइन की वजह से इसका डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हुआ है तो इसके बॉन्ड कम हो गए, तो ये पड़ोसी होने का धर्म इसके पास अपना एच भेजेगा, एंड ये इनके बीच में बॉन्ड आ जाएगा, पड़ोसी से क्या बन चुके हैं, दोस्त बन चुके हैं, वो जिसने इसकी हेल्प की और आपस में इनका बॉन्ड बन गया। एंड ये आपका एल्डोल नहीं बना है, ये आपका कीटोल बना है, खुद ये कीटोनिक ग्रुप है एंड ये अल्कोहलिक ग्रुप है। तो इस तरह से सिंपली सारी रिएक्शन की जा सकती है। तीनों रिपीट कर रहा हूं, देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में दो एल्डिहाइड लोगे विद अल्फा हाइड्रोजन, क्या होगा, प्लस का साइन इसका डबल बॉन्ड सिंगल में बदलेगा और ये इसके आप हाइड्रोजन इसके पास भेजेगा एंड आपस में कनेक्ट करेंगे। सिमिलरली इसमें भी यही होगा एंड इसमें भी यही होने वाला है। इसमें NaOH लेना है दोनों में, और इसमें क्या करना है, केसीएन, इसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, देखिए ये एल्डिहाइड है,
ये अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है, ये एल्डिहाइड है, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है, ये एल्डिहाइड है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। एल्डोल में दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, क्रॉस एल्डोल में एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, एक के पास नहीं। बेंजोइन में दो बेंजिल्डिहाइड ग्रुप लेने वाले हैं। तो ये थी सिंपल सी हमारी तीन रिएक्शन। होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है। सब कुछ समझ में आया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स आपकी वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड बनाएं वो भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। एंड सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।